धनतेरस पर बुजुर्गों को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात सामने आई है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करेंगे और योजना में 70 साल से प्लस वाले बुजुर्ग भी इसमें शामिल होंगे। ये एक बड़ी सौगात है। 70 साल उससे ज्यादा उम्र के लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा। योजना के तहत कुल 12,850 परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री की ओर से लगातार किया जा रहा है ये योजना, बहुत महत्वपूर्ण है। योजनाओं का शुभारंभ जो हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 12,850 परियोजनाओं का कुल शुभारंभ होने जा रहा है और मध्य प्रदेश, मंदसौर, नीमच, सिवनी, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, पश्चिम बंगाल, कई राज्य इसमें आएंगे। कल्याणी, बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल, ये तमाम जगह और शहर शामिल हैं जहां पर लोगों को फायदा मिल पाएगा। और धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल की जो दिवाली है वो बेहद खास है, क्योंकि 500 सालों बाद अपने घर पर विराजे हैं प्रभु श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया, भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान के बाद ये पहली दिवाली है। आज धनतेरस का पवित्र त्योहार है। सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। दो दिन बाद हम सभी दीपावली का पर्व भी मनाएंगे और इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे।